कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के दिए निर्देश। ब्लैक फंगस को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। ब्लैक फंगस को महामारी किया घोषित, कोरोना के साथ इसका भी होगा इलाज। राज्य में 28 मई को होने वाली नर्सिंग भर्ती परीक्षा फिर से हुई स्थगित, अब जून में परीक्षा होने की संभावना। और उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में आई कमी, 24 घंटों में 3,626 नए केस आए सामने, 8,731 मरीज हुए ठीक, 70 की हुई मौत। न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास बुलेटिन आपन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, तो यहाँ कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आने के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। कोरोना के साथ इसका भी इलाज होगा। आपको बताते चलें, कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश अभी तक ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ और अब एक और नई बीमारी ने देश को जकड़ लिया है। यहाँ कोरोना संकट के बीच और ब्लैक फंगस नाम की बीमारी लोगों को अपना शिकार बना रही है। वहीं ऋषिकेश एम्स में अब तक 4 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और ऐसे में एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के कुल 61 मरीज सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्लैक फंगस ने लगभग देश के सभी राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है और यहाँ देश भर में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में इसे मौतें भी लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम भले ही हो रही हो, लेकिन यहाँ महामारी की चपेट में आए मरीज बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं। संक्रमण से मरीजों की संख्या घटकर 2.5 लाख के करीब आ पहुंची है, जिसे राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी ओर मरने वालों का आंकड़ा हर दिन 4,000 से पार हो चला है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कृषि एवं औद्योगिकी सरकार ही अब हर्बल उत्पादों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, तो यहां आपको बताते चलें कि प्रदेश में जल्द ही हर्बल हीलिंग और वेलनेस सेंटर भी बनाया जाएगा। HRDI इसे आयुष विभाग के सहयोग से स्थापित करेगा और ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान यानी कि HRDI और सगंध पौधा केंद्र की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने हर्बल और सगंध उत्पादों को बढ़ावा देने के मद्देनजर किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। यहां किसानों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने और उन्हें राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से अच्छी गुणवत्ता का प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराने को कहा गया। ऐसे में इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैंप की ओर से तैयार गनिया हर्बल सैनिटाइजर की लॉन्चिंग भी की। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक के दौरान उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें अवगत कराया कि कोरोना महामारी और समय और यहां असमय आ रही प्राकृतिक आपदों से निपटने के लिए पार्टी संगठन और सरकार दिन रात जुटे हुए हैं और साथ ही सरकार की योजनाओं के बेहतर ढंग से संचालन में भी पार्टी अपनी बेहतर ही भूमिका का निर्वहन करती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में नर्सिंग के 2,621 पदों पर भर्ती के लिए 28 मई को होने वाली परीक्षा फिर से स्थगित कर दी गई है और अब यह परीक्षा जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में कराई जाएगी और परीक्षा का आयोजन केवल 2 शहरों के बजाय सभी जिलों में कराने के लिए परिषद ने उम्मीदवारों से परीक्षा के शहरों का विकल्प मांगा है और ऐसे में UBTER की ओर से 28 मई को स्टाफ नर्स भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित की गई थी, जिसके एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी होने थे और ये परीक्षा देहरादून हल्द्वानी में 27 केंद्रों पर आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रवेश पत्र जारी होने के ठीक पहले कई दुश्वारियां पैदा हुई, तो ऐसे में ये परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जो परीक्षा 28 मई को होने वाली थी, अब ये परीक्षा ऐसे में महामारी के चलते स्थगित कर दी गई है।
राज्य के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण लोक निर्माण विभाग के लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मानसून से पहले यदि संक्रमण के फैलाव पर अंकुश नहीं लगा तो लोनीवी के सामने सड़कों को कम से कम समय में खोलने की नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ मानसून के दौरान प्रदेश में हर दिन औसतन 200 से अधिक सड़कें मलबा आने और चट्टानों के टूटने से अवरुद्ध होती है। नैनीताल जिले में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए क्वारंटीन रखा जाएगा। तो यहाँ ये बड़ी जानकारी दी गई है। तो यहाँ आपको ये भी बताते चले कि सीडीओ नरेंद्र भंडारी ने ऐसे लोगों का डाटा एकत्रित कर उन्हें अनिवार्य क्वारंटीन करने के सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अस्पताल से क्षेत्र के गांवों से आने वाले सर्दी जुकाम और बुखार लक्षणों वाले मरीजों की तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं और यहाँ संक्रमित पाए जाने पर चिकित्सालय कोविड केयर भेजने को कहा गया है। शुक्रवार सीडीओ ओखलकांडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और विकास खंड कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर देवस्थानम बोर्ड और तीर्थ पुरोहित में शुक्रवार रात को नोकझोंक हो गई और ऐसे में लगभग एक घंटे तक चले विवाद के बाद बातचीत कर मामला शांत कराया गया। तो यहां शुक्रवार को केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहित समाज के कुछ लोग जला अभिषेक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यहाँ जल अभिषेक करने के लिए वो मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने गर्भगृह के बाबा केदारनाथ जल अभिषेक करने की बात कही, लेकिन यहाँ देवस्थानम बोर्ड के सदस्यों ने उन्हें रोक लिया। यहाँ कहा गया कि कोरोना काल में जारी गाइडलाइंस के चलते मुख्य पुजारी और रावल को ही मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति है और इसी के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि यहाँ देवस्थानम बोर्ड और तीर्थ पुरोहित के बीच में नोकझोंक का मामला सामने आया है और ऐसे में गर्भगृह प्रवेश को लेकर एक घंटे तक ये नोकझोंक चली। हालांकि मामले को शांत कराया गया और फिर यहां बताया गया कि आम लोग यहां प्रवेश नहीं कर सकते। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ENB। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम हरिद्वार के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए नगर निगम ने ये अहम फैसला लेते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। वहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए रानीपुर मोड़ स्थित चंद चौरे चौक पर बने पुलिस चेक पोस्ट को भी सैनिटाइज किया गया। बता दें कि कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार अब भी कम नहीं हुई है। ऐसे में ब्लैक फंगस अपना कहर लगातार भरपाता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि रोजाना होने वाली कोरोना जांचों की संख्या तेजी से बढ़ाएं, क्योंकि ICMR के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार टेस्ट की संख्या घटा नहीं सकती। अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य सरकारों के लिए ऑक्सीजन का कोटा 183 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन किए जाने पर गंभीरता से विचार करे। हाईकोर्ट का यहां साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड का बहुत बड़ा हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है, वहां निरंतर ऑक्सीजन सप्लाई किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार की उन मांगों पर गंभीरता से ये बड़ा निर्णय ले। तो यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि गंभीरता से ये बड़ा निर्णय लिया जाए, जिसमें उसने केंद्र से 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर, 30 प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट, 200 CAP, 200 बाईपेप मशीन, 1,00,000 पल्प ऑक्सीमीटर की मांग की है। यहाँ कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के उस आवेदन पर एक सप्ताह में निर्णय ले, जिसमें राज्य सरकार ने अपने ऑक्सीजन के कोटे का प्रयोग अपने ही उत्पादन से करने की अनुमति मांगी है।
उधर उत्तराखंड के देहरादून में मिशन हौसला के तहत थाना पुलिस ने बस्तियों में रहने वाले 500 गरीब परिवारों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी कोविड किट बांटी। ऐसे में इस किट में साबुन, सैनिटाइजर की बोतल, मास्क, विटामिन सी की गोलियां भी शामिल हैं। ऐसे में एसओ दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर और मास्क खरीदने में सक्षम नहीं है, इसीलिए यहां थाना पुलिस की ओर से इन परिवारों को संक्रमण से बचाने का ये बीड़ा उठाया गया है। परिवारों को किट देने के साथ साथ उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारियां भी दी गई। शहर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पहले ही वार्डों में साप्ताहिक सैनिटाइजर से जुटे नगर निगम ने डेंगू से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और ऐसे में इस संबंध में नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने शुक्रवार को निगम से स्वास्थ्य अनुभाग के अधिकारियों की बैठक ली। ऐसे में डेंगू की आशंका के दृष्टिगत पहले ही उचित कदम उठाने के बड़े निर्देश दिए गए। राज्य में 45 साल से अधिक के व्यक्तियों के टीकाकरण की अड़चन दूर होती नजर आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की 1,00,000 खुराक उपलब्ध करा दी गई है। इसे जिलों को भी वितरित कर दिया गया है और ऐसे में वैक्सीन की कमी के कारण बीते कुछ वक्त से धीमे पड़े टीकाकरण अभियान को इसे गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल यहां वैक्सीन का स्टॉक सीमित होने के कारण 45 साल से अधिक के व्यक्तियों के टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में इस आयु वर्ग का टीकाकरण कुछ एक ही केंद्रों पर किया जा रहा था और पिछले काफी वक्त से केंद्र ने वैक्सीन आने का इंतजार किया जा रहा था और ऐसे में केंद्र से ये मांग भी की गई थी और अब वैक्सीन पहुंचाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है। तो आपको बता दें कि इस आयु वर्ग की वैक्सीन राज्यों को निःशुल्क मिल रही है और जबकि 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन राज्यों को खुद खरीदनी है और जल्द ही 1,20,000,000 वैक्सीन इस आयु वर्ग के लिए भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और इधर राज्य की बात करें तो राज्य ने वैक्सीन खरीद को ग्लोबल टेंडर भी किया है और ये टेंडर 24 मई को खुल जाएगा। उधर हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण अब गांव की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने सावधानियां बरतनी शुरू कर दी है। जहां अब गांवों में कैंप लगाकर ग्रामीणों की आरटीपीसीआर जांच की जा रही है तो वहीं अब झोला छाप डॉक्टरों पर भी शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त न होने पर छोटे मोटे निजी डॉक्टरों की गलत सलाह के चलते मरीजों की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में बड़े अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने से इलाज में भी दिक्कत हो रही है और इसके लिए जिला प्रशासन ने निजी डॉक्टरों और मरीजों पर नजर बना रखी है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का यहां कहना है कि सभी उप जिलाधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है और ऐसे में गांवों में निजी डॉक्टरों को चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे में गांवों में नियम के विरुद्ध काम करने वाले निजी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों का जो संक्रमण का सूचना जब भी आता है वहां पे सैंपलिंग टीम्स पहुंच करके उनका सैंपल भी लेकर के जो भी अगर पॉजिटिव आ रहे हैं उनका इलाज करने के लिए पूरा सुविधाएं दिया जा रहा है। फिर भी जो है इसमें कुछ कंप्लेंट्स भी मिलता है कि यहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से भी कई सारे हॉस्पिटल्स उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कभी कभी गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कभी कभी उनको प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिट होने का स्थिति होने के बावजूद भी उनको गलत सलाह देने के कारण कई लोग जो है समय पे हॉस्पिटल पहुँच नहीं पा रहे हैं और जो क्या कहते हैं इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पे आने का स्थिति आती है। तो ये सारा चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए प्रत्येक गाँव में जितने भी हॉस्पिटल्स है या जो है चाहे कोई गलत ढंग से इलाज करने के लिए जो जैसे झोला छाप डॉक्टर्स भी बोलते हैं इस प्रकार का मल्टीपल लोग जो है आज के डेट में जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में सभी के बारे में अभी सूचना इकट्ठा कर दिया गया है सभी एसडीएम्स को ये टास्क दे करके तो प्रत्येक जगह में जा करके इसको समीक्षा भी कर रहे हैं कि अगर अवैध तरीके से कुछ है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनवी न्यूज।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उनकी टीम ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन बैंक बनाया है, तो यहाँ जरूरतमंद टीम के नंबरों पर संपर्क कर ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं और इसी के अलावा 3 डॉक्टरों की टीम मरीजों को परामर्श देगी। उन्होंने यहाँ ये बताया कि यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र की 23 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए हैं और जबकि 1900 ऑक्सीमीटर और 1,00,000 N95 मास्क मंगाए हैं और मास्क प्रत्येक परिवार के 4 सदस्यों को दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान नगर के वार्डों में सभासदों के माध्यम से ये बांटे जाएंगे और इसी के अलावा 1900 ऑक्सीमीटर भी मंगाए गए हैं और इनमें से 1,000 की लोड प्राप्त हो गई है। तो यहाँ विधायक ने बताता मास्कीजो विधायक ने बताया कि कोरोना के मरीजों की रिपोर्ट देने और आधार कार्ड देने पर ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जाएगा। से हमने कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर प्राप्त हो रहे हैं जिसके माध्यम से जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनका हम ऑक्सीजन लेवल और पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से देख सकेंगे और ये जानकारी हमें प्राप्त हो सकेगी कि उनका सैचुरेशन लेवल कितना है। यदि उनका सैचुरेशन लेवल 95 से ऊपर है तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 95 से और 90 के बीच में है तो उनको सावधान होने की आवश्यकता है और चिकित्सकीय परामर्श लेने की आवश्यकता है। यदि उनका सैचुरेशन लेवल 90 से नीचे जाता है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की अर्थात हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से जो हम संक्रमित मरीज हैं या संक्रमित हमारे आमजन हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा ले सकेंगे। साथ ही साथ इससे जो हमें प्रभावी कदम संक्रमण को रोकने में मिलेगा कि ग्रामीण स्तर पर ही जो हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन अपनी आशाओं को करेंगे तो हमारी आशाएं उस संक्रमित व्यक्ति के घर जाकर उसके सेचुरेशन लेवल को नाप सकेंगे, देख सकेंगे और बहुत जल्दी जैसे हम अर्ली डिटेक्शन कह सकेंगे, अर्ली निर्धारण कह सकेंगे कि इस व्यक्ति को हम होम आइसोलेट करें या संदर्भित चिकित्सा इकाई पर उनको भेजना है तो एक अच्छा कदम है जिस कारण से हमें संक्रमण रोकने में भी मदद मिलेगी और लोगों को समय से उपचार प्राप्त होने में भी ये सार्थक पहल रहेगी। मैंने अपने स्तर से ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कराई है जिसमें हम 23 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखेंगे और 12 ये एक लिस्ट है हमारे पास हमारे 12 प्रमुख लोगों की, 3 डॉक्टरों की जो कि लगातार जिनके नंबर हम सार्वजनिक कर रहे हैं आज आप लोग के द्वारा। किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो वो डायरेक्ट इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगा, हम उसको फ्री होम डिलीवरी करेंगे, 48 घंटे के लिए मशीन उसको दी जाएगी और अगर आप कहीं ना कहीं पेशेंट को लगता है कि 48 घंटे में उसकी स्थिति नहीं सुधरती है तो हम उसको जो हमारे 3 डॉक्टर पैनल पर हैं डॉक्टर टुन्ना, डॉक्टर अभिलाषा और डॉक्टर अमरीक सिंह जी वो उनसे टेली मेडिसिन के द्वारा फ़ोन पे बात करके अगर डॉक्टर की राय ये रहेगी कि उनको ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए उनको मशीन का ड्यूरेशन तो हम अगले 48 घंटे के लिए मशीन उनको बढ़ा दी जाएगी। ये सेवा निःशुल्क दी जाएगी, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सिर्फ हर व्यक्ति को अपने अपना आधार कार्ड, अपनी एंटीजन या अपनी RT-PCR रिपोर्ट उस नंबरों पे व्हाट्सएप करनी पड़ेगी, हमारा व्यक्ति गया उनके घर पे डिलीवर करेगा और उनसे उनको निःशुल्क सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसी तरह से आज हमने सरकारी अस्पतालों में लगभग ये 1,000 ऑक्सीमीटर आ जाए हैं, 900 ऑक्सीमीटर हमको कल परसों में और मिलेंगे तो ये हमारे CHC और PHC शक्ति फार्म सितारगंज में दिए जाएंगे ताकि जो लोग होम क्वारंटीन हो रहे हैं, जो अस्पताल नहीं जा रहे, जिनको होम क्वारंटीन की राय दी जा रही है उनको ये ऑक्सीमीटर हमारी तरफ से दिया जाए ताकि वो अपना ऑक्सीजन का लेवल जो है मॉनिटर कर सकें। उसके बाद हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जहाँ पे हमने लगभग 1,00,000 N95 का लक्ष्य रखा है, N95 मास्क का। तो हमारे 30-35 हज़ार मास्क हमको डिलीवर हो चुके हैं, हम दूसरे लॉट का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो मास्क हमको मिल जाएंगे 3-4 दिन के अंदर हम उनका वितरण शुरू कराएंगे और हमारा लक्ष्य है कि सितारगंज के हर परिवार में 3 या 4 मास्क हम वितरण करेंगे ताकि N95 मास्क जो है वो कोरोना के खिलाफ बहुत साकार माना जाता है, कहीं ना कहीं अगर वो हमारी पब्लिक में मिलता है तो कोरोना में रोकथाम में उसमें मदद होगी। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सरकार। उधर उत्तराखंड के काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने नगर निगम से मांग की है कि वह समय रहते जल भराव की समस्या का निदान करे ताकि आने वाली बरसात के मौसम में शहर के व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को जल भराव से होने वाली करोड़ों रुपए की क्षति से बचाया जा सके। और ऐसे में उन्होंने नगर निगम से यह भी मांग की है कि कोरोना कर्फ्यू के चलते दुकानदार बर्बादी की कगार पर आते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए नगर निगम अपनी दुकानों के किराएदार दुकानदारों के किराए के साथ साथ दूसरे दुकानदारों से लिए जाने वाला टैक्स
माफ करें। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम व्यापारियों और जनता से हाउस टैक्स और किराया वसूलती है। तो यहाँ ये भी कहा कि नगर निगम की जिम्मेदारी ये बनती है कि वह शहर की सबसे ज्वलंत जल भराव की समस्या का समाधान करे और अभी बरसात आने में समय है, लिहाजा नगर निगम समय रहते जल भराव न होने के पुख्ता कदम उठाए। लगातार 15-20 साल से जल भराव की समस्या चली आ रही है, उसी को लेकर आज मैंने ये प्रेस वार्ता की थी कि ये जो 2 दिन पहले जो बारिश हुई है ये एक चेतावनी है, इसको नगर निगम को महापौर जी को चेतावनी के रूप में लेकर आने वाले वर्षा काल जो है उससे पहले ये प्रबंध करने चाहिए। इतना समय अभी है कि जल भराव की समस्या को ना आने दिया जाए, क्योंकि कोविड काल में व्यापारी पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। कर्फ्यू की वजह से उनके दुकानदार, उनकी दुकानें, उनके व्यवसाय बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से वो और नुकसान, किसी भी तरीके का आर्थिक नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है। तो मेन दूसरी बात मेरा उनसे ये कहना है कि जो भी नगर निगम के दुकानदार हैं, किराएदार हैं, उनका किसी भी तरीके का हाउस टैक्स और किराया वो माफ़ होना चाहिए। और जो बाकी के ऐसे हमारे व्यापारी भाई हैं कि जिनके दुकानें अपनी हैं, उनके ऊपर भी किसी भी तरीके का हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से सब लोग आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं और मानवता के मानवीय कारणों से भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के रुड़की में एक महिला में ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है और ऐसे में एक महिला में ब्लैक फंगस मिला है। तो यहाँ ब्लैक फंगस मिलने से अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल महिला को उपचार के लिए सीवर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहाँ हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है महिला को। आपको बताते चलें कि महिला कोरोना पॉजिटिव भी पाई गई है, उनकी शुगर भी काफी हद तक बढ़ी हुई है और रुड़की अस्पताल में पहुंचने वाला ब्लैक फंगस का यह पहला मामला है, जिसके सामने आने के बाद क्षेत्र में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अनकंट्रोल डायबिटीज की शिकायत थी उसको, 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है, उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है ये हमारे पास पहला केस है जो SDH हमारे पास आया है एमरजेंसी में। इसके उपचार के लिए अभी इसका उपचार जो है लोकल अस्पताल में दिल्ली पर चल रहा था, अभी हमारे पास ये आज आए हैं, हमने हायर सेंटर के लिए किया है। सरकार राज्य में कोविड कर्फ्यू में ढील देने के मामले में संक्रमण की स्थिति के आंकलन के बाद ही कोई फैसला करेगी और ऐसे में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यहां कहा कि हर रोज कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1000 से नीचे आने के बाद ही रियायत देने पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना के नियंत्रण को लेकर स्थिति अनुकूल नहीं रही तो यहाँ और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। उत्तराखंड में बीते दिनों से कोरोना संक्रमित की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में कोरोना से 70 मरीजों की मौत हुई है और ऐसे में 3,626 नए संक्रमित मिले हैं। तो यहां 8,731 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और ऐसे में देहरादून और हरिद्वार जिले में अस्पतालों ने 46 पुराने कोरोना मरीजों की मौत की रिपोर्ट विभाग को दे दी है और ऐसे में इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 38,810 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और यहां देहरादून जिले में कोरोना के 699 केस सामने आए हैं और ऐसे में नैनीताल में 555 केस सामने आए हैं, हरिद्वार में 535, उधम सिंह नगर में 383 और ऐसे में चमोली की बात करें तो चमोली में 238 मामले सामने आए हैं और अब चंपावत जिले की बात करें तो चंपावत जिले में 48 कोरोना से संक्रमित केस मिले हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले पर अब और ज्यादा सख्ती बरतेगी और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और फिलहाल इस पर 100 रुपए का चालान रखा गया है और ऐसे में DGP अशोक कुमार की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में जुर्माना बढ़ाने का सुझाव दिया गया और बैठक में समस्त जनपदों के प्रभारियों का कहना है कि मास्क न पहनने पर जब से जुर्माना की राशि को बढ़ाकर 500 किया है तब से अधिकतर लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में चालान मात्र 100 रुपए होने के कारण लोगों की ओर से इसका पालन नहीं किया जा रहा।
उत्तराखंड में कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस संक्रमण के ग्रसित मरीजों का भी केंद्र और राज्य सरकार की अटल आयुष्मान योजना में कैशलेस इलाज किया जाएगा और ऐसे में इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को केंद्र सरकार की अनुमति मिलने का इंतजार है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना के तहत अब बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस का इलाज कैशलेस मिलेगा और अब एक तरफ तो कोरोना महामारी है और अब ब्लैक फंगस ने भी देश में दस्तक दे दी है, तो यहाँ उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना के तहत अब कैशलेस इलाज मिलेगा। तो यहाँ अब साफ तौर पर केंद्र सरकार की इजाजत का यहाँ पर इंतजार रहा है और अब साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र की अनुमति का इंतजार है, उसके बाद कैशलेस इलाज किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई एयरटेल फेसबुक पेज इंस्टाग्राम जियो टीवी गूगल प्ले यूट्यूब और एप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद।